ओवर एज 4 साल हो गए हम लोग को, ओवर एज भी हो चुका है जी, 18 से 23 महीने बैठ पाएंगे आप लोग? नहीं नहीं, तो अब तो ऐसे प्रदर्शन है जो मुख्य मांग है वो क्या है प्रदर्शन? बस हम ज्वाइनिंग दिया जाए, हम लोग जो जो 54 हम लोग 60,200 सीट है उसमें से 54,000 को लिए और जो बाकी पड़ा है जो 6,000 वो 6,000 कहाँ गया? अच्छा, तो 6,000 से हम लोग तो बच्चे 200-250 उन लोग क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है? फिर मार्च में न्यू वैकेंसी निकाल रहे हैं, न्यू वैकेंसी निकाल रहे हैं, हम लोग तो फिट है, ये वैकेंसी के लिए अच्छा है ना। 2018-21 में आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं किया, फिर से फिर हम लोग 2019 में हम लोग रिटन क्वालिफाई करे, फिर फिजिकल क्वालिफाई करे, फिर मेडिकल क्वालिफाई करे, क्वालिफाई करने के बावजूद हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो और कोई भी प्रोसेस है तो हम लोग को दो, हम उससे पास करेंगे तो क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे आप यहाँ पर हैं, घर छोड़कर आए, कोई महाराष्ट्र है, कोई यहाँ पे आपकी समस्या नहीं निकल रही है तो प्रदर्शन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? किस तरह परमिशन? हम लोग परमिशन लेंगे, हम लोग परमिशन ले चुके हैं, डीसी के ऑफिस से जाके परमिशन लेते हैं, इच्छा मृत्यु भी दे चुके हैं और सब कुछ हम सब जो भी लीगल के काम थे वो सब काम कर चुके हैं। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जैसे NSUI है, एक स्टूडेंट बॉडी है, ABBP है, ISA भी है और भी डिफरेंट लेफ्ट के भी हैं, तो इनमें से भी किसी ने मदद नहीं किया, किसी से आपने मुलाकात की? नहीं नहीं, NSUI ने की थी मदद हमारी, उन्होंने 2 दिन हमको बैगरों का घर वहाँ रखने मतलब परमिशन दे दी। अच्छा, हाँ, उसके बाद में हम प्रोटेस्ट किया। उसी दिन लाठी चार्ज हो गई, फिर इधर आ गए हम। बहुत भैयाओं का किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का फोन गुम हो गया। मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी सड़क पर बैठी है। तो ये बेटी कहाँ की है? पाकिस्तान से आए क्या? यही तो बेटी है, पहले तो बेटी पढ़ेगी, जब ये सवाल करेगी जेल में डालेगा। आपने बोला ना कि बोल क्यों नहीं रहे, आवाज है इनके पास, बोलने के जेल में डाल देंगे। ऊपर से एक महीने से बैठे, देखो ना सारे सबके सब बीमार है, कपड़े उठा लिए, चप्पल उठा लिए, जूते उठा लिए, कुछ नहीं बचा भाई साहब, सड़कों में बैठे हैं। अगर चुनाव हो ना चुनाव, सारे के सारे इनके घर के घर जाते हैं, एक एक घर जाता है वोट मांगने के लिए, लेकिन ये इनके घर आए हैं वोट अपने काम को ठीक करवाने के लिए। सरवर हमारे रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे हैं, उनको जाना चाहिए था, सर्विस करते ना हमारी, हमारे नौकर हैं तो काम करना चाहिए था ना, तो कहाँ है ये बात? क्या है कि राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A हमारे संविधान में लिखा है कि 3, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या बोला कि 3 से 18 साल तक कर दिया है राइट टू एजुकेशन।